आई थिंक जेन्युइनली जब राज ने मुझे ये फिल्म आके सुनाई, चार घंटे का नरेशन था जो आई थिंक विच इज द लॉन्गेस्ट नरेशन आई हैव हर्ड. आई हैड टू टेक थ्री टॉयलेट ब्रेक्स बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द फैबुलस द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई हैव हर्ड. आई थिंक इट्स गोना चेंज द वे वी सी कॉमेडीज, क्योंकि जिस तरह कॉमेडीज बनती हैं अच्छी बनती हैं हमारे देश में, लेकिन आई कैन अश्योर यू जब ऑडियंस ये फिल्म देखेगी वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दे विल रियलाइज दैट दे हैव बीन मिसिंग आउट ऑन अ काइंड ऑफ कॉमेडी दैट दे हैव नॉट सीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक घनचक्कर इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई हैव रेड, को-रिटन बाय राज एंड परवेश शेख, एंड ही वाज गिविंग मी सच अ मैड रोल. ऑफकोर्स मैंने थोड़ा सा वक्त लगाया हाँ कहने में, पर करीब 8 महीने लगाए इन्होंने हाँ कहने में, इसलिए फिल्म इतनी डिले हो गई. पर बाय द एंड ऑफ इट आई वाज जस्ट टेलिंग राज, आई सेड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यू नो मना लिया. जब से प्रोमोज निकले हैं सब यही पूछ रहे हैं कि पैसे गए कहाँ, पैसे किसके पास है, हमें खुद नहीं पता. एक इंसान को पता है वो ये है. और इनको लगता है कि मैं बार बार झूठ बोलता रहता हूँ तो इसलिए ये टेस्ट लगा है. And मैं कह रहा हूँ कि मेरी याददाश्त चली गई है और कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है. आई थिंक इट्स रियली अनफेयर. सलमान इज यू नो बीन अराउंड फॉर सो मेनी इयर्स, फॉर सो मेनी डेकेड्स, एंड यू कांट मैच अप टू दैट लेगेसी. But I aspire to get there, and I think yes, it's been a long journey. It's been a slow and a steady journey, and pichle 3 saalon mein ek bahut bada change aaya hai after Once Upon a Time, Dirty Picture, these films, and inshallah I feel Ghanchakkar jis tarah bani hai, jis tarah logon ka ek feedback mil raha hai from screenings and people have seen the edit, I'm very sure that this will be my biggest success. Well, generally वो फिल्म का जो थीम है थीमेटिकली कॉमेडी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो सस्पेंस का एंगल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब आप फिल्म देखोगे आप गेस कर ही नहीं पाओगे कि पैसे किसके पास हैं, क्योंकि पूरी फिल्म में जिस तरह लिखी गई है, जैसे परवेज ने लिखा है, जैसे राज ने ट्रीट किया है, एट एवरी 15 मिनट्स आपको लगेगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी याददाश्त नहीं गई है, शायद पैसे इसने छुपाए, फिर आपको लगेगा 15 मिनट के बाद कि इसकी बीवी ने छुपाए, फिर दोनों उन आदमियों पे जाएगा, लेकिन आप कभी गेस नहीं कर पाओगे कि क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, किसके पास पैसे. Well, I think पहले तो इस आज का जो इवेंट है और टेस्ट जो हमने किया है, आई थिंक जिस किस्म की फिल्म है, एक अजीब पागल किस्म की फिल्म है, तो हमें लगा कि एक अनकन्वेंशनल किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाए, तो एक लाई डिटेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस था. आई थिंक इस फिल्म में सिर्फ एक USP नहीं है, बहुत सारी चीज़ें. जो चीज़ मुझे कहीं ड्रॉ की इस फिल्म के लिए वो ये थी कि एक कॉमेडी का जो एक तरीका है इस फिल्म में, इट्स वेरी फनी, इट्स समथिंग जो ऑडियंस ने अब तक देखा नहीं है. मेरा तो लेजी लैड है, जाहिर सी बात है, क्योंकि नहीं नहीं, और सारे लैड्स जो हैं वो बहुत लेजी होते हैं, तो उनके लिए मेरा ये एक बहुत ही फनी ट्रिब्यूट है. आई थिंक मेरा अल्लाह एक ट्रैक है जो अभी रिलीज होने वाला है, हमने एक म्यूजिक वीडियो इसमें फिल्माया है. फिल्म में भी एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट में गाना आता है, लेकिन वहाँ पे लिप सिंक नहीं है, लेकिन हमने एक अच्छा म्यूजिक वीडियो, इट्स अ कव्वाली कम डांस सॉन्ग, सो इट्स वेरी कैची सॉन्ग. यही कि एक टिकट के भाव में आप 2 फिल्में देख पाएंगे 28 जून को जब आप घनचक्कर देखने थिएटर में पहुंचेंगे, क्योंकि ये कॉमिक थ्रिलर है, कॉमेडी भी है, थ्रिलर है, इमरान हाशमी है, मैं हूँ और 2 और घनचक्कर हैं, सबके साथ बहुत मजा आएगा, प्लीज आ जाइएगा.